तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्टिंग रोज़ा के बारे में। सबसे पहले हम इसमें तीन चीज़ें समझ लेते हैं, डाइटिंग, इंटरमीटेंट फास्टिंग और फास्टिंग। डाइटिंग क्या होती है? मोटापे की वजह से लोग कम खाना पीना कर देते हैं और इसे डाइटिंग कहते हैं, हालांकि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ऐसा करना गलत है। इंटरमीटेंट फास्टिंग क्या होती है? इसमें खाने पीने की टाइमिंग्स, क्या खाना है, कितना खाना है और एक वक्त के खाने से दूसरे वक्त के खाने के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितने घंटों का फासला है, ये सब पहले से तय किया जाता है। इंटरमीटेंट फास्टिंग का जिक्र हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में किया गया है। इसे मेडिकल टर्म्स में ऑटोफैगी भी कहते हैं। फास्टिंग, फास्टिंग इन इस्लाम। इस्लाम में फास्टिंग 14 घंटे का होता है, सुबह 5 बजे से शाम करीब 7 बजे तक। इसमें सुबह 5 बजे से पहले उठकर अच्छे से खाया पिया जाता है, फिर सुबह करीब 5 बजे से जो वक्त शुरू होता है वहाँ से रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कुछ भी खाने पीने से परहेज किया जाता है रोज़ा खोलने तक, यानी करीब 7 बजे तक। व्हाट्स द बेस्ट लेंथ ऑफ टाइम टू फास्ट? कुछ साइंसदानों के मुताबिक फास्टिंग 10 से 16 घंटों की होना चाहिए। फ़ायदा, इससे जो एक्स्ट्रा फैट जिस्म में मौजूद होता है वो बर्न होकर एनर्जी में तब्दील हो जाता है और वेट लॉस होता है। व्हाट डॉक्टर सेज अबाउट फास्टिंग? डॉक्टर्स कहते हैं कैंसर की बीमारी मोटापे की वजह से होती है, कैंसर के वायरसेस को ख़त्म करने के लिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंडेशन। फास्टिंग के बाद पहला खाना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए। हाउ मेनी डेज कैन यू गो विदाउट फूड? इंसान बगैर खाना और पीने के 8 से 21 दिन तक जिंदा रह सकता है और अगर सिर्फ पानी ही दिया जाए तो 2 महीने। व्हाट इज द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग? इट बूस्ट कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओबेसिटी एंड एसोसिएटेड क्रोनिक डिजीजेस, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, सपोर्ट वेट लॉस, डिक्रीज द रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस एंड स्पीड अप मेटाबॉलिज्म। बेनिफिट्स कैंसर पेशेंट्स, क्लीनिंग द बॉडी, हेल्प टू क्लियर स्किन, प्रिवेंट एक्नी एंड हेल्प टू स्टॉप हेयर फॉल, नेचुरल रिपेयर, सपोर्ट ब्लड शुगर मैनेजमेंट, हेल्प डिजीज प्रिवेंशन, सपोर्ट ब्रेन फंक्शनिंग, डिले एजिंग, सपोर्ट ग्रोथ, इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, प्रोमोट्स लॉन्गिविटी, इम्प्रूव हंगर, इम्प्रूव ईटिंग पैटर्न्स, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शनिंग, इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, कंट्रीब्यूट्स टू सेल्फ इनलाइटनमेंट, कीप्स ब्लड शुगर नाइस एंड स्टीडी, सपोर्ट हार्ट हेल्थ, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्रेशन, हेल्प्स लाइव लॉन्गर, इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हेल्प्स बेटर लिवर फंक्शनिंग, हेल्प्स टू इम्प्रूव वर्बल मेमोरी, इम्प्रूव एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, इम्प्रूव ओवरऑल फिटनेस, इंक्रीज HGH लेवल्स। व्हाट डज कुरान से अबाउट फास्टिंग? हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात रोजे रखना सुन्नत है। व्हाट द साइंस बिहाइंड फास्टिंग? हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग के बहुत सारे जिस्मानी फ़वाद साइंसी तहकीक से साबित हो चुके हैं। तो फास्टिंग को लेकर आपके जहन में जो कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।